हेलो फ्रेंड्स, मैं आरपी सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर फिर आप लोगों का एक बार स्वागत करता हूँ। आज मैं नए टॉपिक के साथ आया हूँ, इम्परेटिव सेंटेंस। और जानेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या है, किससे कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, द सेंटेंस विच डिनोट्स ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, प्रपोजल इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। इन्हें कहा है कि वो वाक्य जो आदेश, सलाह, आग्रह, प्रस्ताव इत्यादि को दर्शाता हो उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। उसके कहा जाता है इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। किसको दर्शाता हो सेंटेंस, किसको? द सेंटेंस विच डिनोट्स, वो वाक्य जो दर्शाता हो ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, प्रपोजल एक्सेट्रा इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। उसे क्या कहा जाता है? इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। यदि आप मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे, सब्सक्राइब कर दीजिए और पूरे इंपरेटिव सेंटेंस समझने के लिए अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिए। देखिए, अब इसमें क्या क्या आ जाता है, ध्यान देने वाला चीज है। ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, प्रपोजल, ये जो है इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आ जाता है। बारी बारी से जिक्र भी करेंगे इस रिलेटेड सेंटेंस को। यानी कहने का मतलब कि वह वाक्य इसको कहां किया जाता है, आदेशात्मक वाक्य। ये पहले पूरी डिफिनेशन को लिख लीजिएगा, हेडिंग भी डाल दीजिएगा कॉपी पर, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं, इस पर एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल पहले हम लोग तो जिक्र करेंगे ऑर्डर, इस बारे में ऑर्डर इंपरेटिव सेंटेंस। यानी इस प्रकार के सेंटेंस में आता क्या क्या है, वहां जाओ, यहां आओ, दरवाजा बंद करो, खिड़की खोलो, इस टाइप के जो सेंटेंस होता है, गरीबों की मदद कीजिए, एक गिलास पानी लाइए, या कह सकते हैं कि हम फिल्म देखने चलें, या कह सकते हैं लेट मी डू दिस वर्क, इस काम को मुझे करने दीजिए या करने दो। इस प्रकार के जो सेंटेंस होता है सब इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। जैसे देखिए, पहला ऑर्डर, यानी कह सकते हैं द सेंटेंस विच डिनोट्स ऑर्डर, यानी वह वाक्य जो आदेश को दर्शाता हो, कमांड, उसे इंपरेटिव सेंटेंस में भी बनाया जाता है। जैसे इसका स्ट्रक्चर हो जाता है V1, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का पहला रूप V1, ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, ये आपका हो गया। और इस पर मैं एग्जांपल लेता हूं, वहां जाओ, क्या लग रहा है, बाहर जाओ, खड़ा हो जाओ, ये क्या लग रहा है आपको, ऑर्डर लग रहा है। लेकिन जब यही कहते कि वहां जाइए, ठीक है, बोलने निर्भर करता है, डिपेंड ऑन यू, ये आप पर निर्भर करता है कि आप सेंटेंस को किस टाइप से बोल रहे हैं। जो आपके जुबान से शब्द निकल रहा है ये मायने रखता है एक ही सेंटेंस को। जिसे कहते हैं एक गिलास पानी लाओ, ये ऑर्डर हो गया, कृपया एक गिलास पानी लाइए, ये क्या लग रहा है, रिक्वेस्ट। ये पानी मांगे लेकिन एक आदेश देकर मांगे और एक रिक्वेस्ट कर कर मांगे, तो ये जो है इंपरेटिव सेंटेंस दर्शाता है। सब हम आते हैं द सेंटेंस विच डिनोट्स ऑर्डर, वह वाक्य जो आदेश को दर्शाता हो, वी वन ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, जिसे कर सकते हैं
वहां जाओ, वहां जाओ, क्या बनाइएगा? भीवन यानी जाना, गो। कहां जी? वहां, देर वहां जाओ। हम चार एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद आप समझिएगा, लिखते हैं उसके बाद से। देखिए चार सेंटेंस से आप बनाइए खुद। यहां आओ, बैठ जाओ, दरवाजा बंद करो, खिड़की खोलो। इसी में इसी सेंटेंस को जोरदार तरीके से पेश किया जा सकता है। इसके लिए अगर स्ट्रक्चर का हम जिक्र करेंगे तो हो जाए केवल शुरू में डू जोड़ देने होता है। इम्फैटिक सेंटेंस में डू प्लस भी वन ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, उसका भी मैं जिक्र कर दूंगा तुरंत यहीं पर। यहां आओ, क्या होगा, क्या बनेगा? कम हियर। लेकिन जब यही सेंटेंस रहता कि यहां आओ तो, यहां आओ तो, उस स्थिति में आप क्या बनाते हैं? यहां बनाते हैं डू कम हियर, डू कम हियर, यहां आओ तो। यहां आओ तो, या मैं कहूं बैठ जाओ, क्या बनेगा? सिट डाउन, सिट डाउन में सीधा बैठ जाना, बैठ जाओ। लेकिन ये तो बैठ जाओ तो, क्या होगा? बैठ जाओ तो, इंफेटिक जोर दे रहे हैं उस पर। डू सिट डाउन, दरवाजा बंद करो, बंद करने का होता है क्लोज। क्लोज द डोर या शट द डोर, अगर यही रहता दरवाजा बंद करो तो डू क्लोज द डोर, डू शट द डोर, एक ग्लास पानी लाओ, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लाओ तो डू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, खिड़की खोलो, ओपन द विंडो। अगर ये रहता खिड़की खोलो तो क्या करते? डू ओपन द विंडो। ओके, ये रहा ऑर्डर, जिसे ऑर्डर का बोल रहा है। अब हम जानेंगे द सेंटेंस विच डिनोट्स रिक्वेस्ट, लेकिन इसमें भी निगेटिव सेंटेंस आता है, थोड़ा सा उसके बारे में भी जिक्र कर देते हैं। देखिए जिक्र करते हैं, आइए निगेटिव सेंटेंस पर जिक्र करते हैं। निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ नहीं करना होता है, केवल बस यहां डाउन हो जाएगा, उसके बाद वी वन ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अफर्मेटिव केवल वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट था, लेकिन यहां पर जैसे निगेटिव आएगा तो डाउन हो जाएगा। तो सर क्या इसमें सब्जेक्ट के रूप में कुछ आता नहीं है? इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा यू के बारे में ही जिक्र किया जाता है। ऐसे भी जिसके बारे में जिक्र किया, अगर उसका जिक्र करना चाहिए तो कॉमा के साथ लिखना पड़ता है। रोहित यहां आओ, रोहित यहां आओ, इसको सीधा आपको बनाना होगा। रोहित कॉमा दीजिएगा, कम हियर, प्रत्येक लोग वहां जाइए, एवरी पर्सन, एवरी पीपुल गो देयर। यहां जो बनाएंगे रोहित यहां आओ ही होंगे, लेकिन निगेटिव, हम तो निगेटिव जिक्र ही करेंगे। अगर नाम वगैरह आ जाए, किस जिक्र के जाए तो उसको कोमा के साथ लिखेंगे। अगर रोहित इसको हटाते हैं तो फिर कम हियर सेंटेंस ही गलत लगता है। अब हम जिक्र करते हैं क्रिकेट मत खेलो, क्रिकेट मत खेलो, क्या बनेगा? डोंट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट मत खेलो।
यहाँ पर दो चार लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए ये चार सेंटेंस दिए हैं, किसी को गाली मत दो, गाली देना अब्यूज होता है, निगेटिव डोंट अब्यूज, गाली मत दो किसी को, एनीबॉडी, वहां मत जाओ, रहता वहां जाओ, गो देयर, वहां मत जाओ, निगेटिव सेंटेंस, डोंट गो देयर। हिंदी मत बोलो, अगर तो हिंदी बोलो, स्पीक हिंदी, हिंदी मत बोलो, डोंट स्पीक हिंदी। खाना मत खाओ, सॉरी, खाना मत बनाओ, खाना मत बनाओ, डोंट कुक फूड, दरवाजा मत खोलो, दरवाजा मत खोलो, डोंट ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर, इट इज एक बार। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा है रिक्वेस्ट, दस सेंटेंस विच डिनोट्स रिक्वेस्ट, यानी वह वाक्य जो आग्रह को दर्शाता हो, रिक्वेस्ट को दर्शाता हो, वैसे वाक्यों के लिए इसमें स्ट्रक्चर में कोई खास परिवर्तन नहीं है। आप पहला स्ट्रक्चर देखें, V1 ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, यही था, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा बस परिवर्तन केवल किया गया है कि उस कृपया रिक्वेस्ट के लिए प्लीज या काइंडली का प्रयोग किया जाता है, और प्लीज या काइंडली जो शब्द होता है उसका प्रयोग हम वाक्य के शुरू में या वाक्य के अंत में भी कर सकते हैं, गलत है नहीं है, शुरू में लिख सकते हैं, अंत में भी लिख सकते हैं, कृपया मेरी मदद कीजिए, कृपया मेरी मदद कीजिए, क्या बनाइएगा, अगर आता मेरी मदद कीजिए, हेल्प मी, तो यहां केवल करना है प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए। आते हैं एक दो से एग्जांपल और लेते हैं, आप खुद बनाइएगा। देखिए पांच सेंटेंस, कृपया कर मेरे निमंत्रण स्वीकार करें, कृपया उसे कुछ न कहें, कृपया दरवाजा बंद करें कर दें, कृपया झूठ मत बोलो, कृपया खड़े हो जाएं। ये जो सेंटेंस है, इन सेंटेंस में प्लीज या कांडी लगाकर प्रयोग किया जाता है, बनाया जाता है, क्यों, रिक्वेस्ट का भाव व्यक्त हो रहा है। इसको अगर बनाते हैं तो क्या बनेगा, खुद सोचिए, कृपया कर मेरे निमंत्रण स्वीकार करें, प्लीज, स्वीकार करना क्या होता है, एक्सेप्ट, प्लीज एक्सेप्ट माय इनवाइट, कृपया कर मेरे निमंत्रण स्वीकार करें, स्वीकार करें, कृपया उसे कुछ न कहें, कहीं निगेटिव आ गया जी, ये तो केवल प्लीज जोड़ देना है, प्लीज डोंट टेल हिम, कृपया उसे न कहें, क्या कुछ न कहें, प्लीज डोंट टेल हिम एनीथिंग, कृपया दरवाजा बंद कर दें, इसे काइंडली हो सकते, यस। देखिए प्लीज का प्रयोग तो वाक्य के अंत में, लेकिन काइंडली का प्रयोग हम लोग अक्सर ये करते हैं कि वाक्य के प्रारंभ में ही करें,
अंत में बड़ा कम किया जाता है। काइंडली क्लोज द डोर, कृपया झूठ मत बोलो। प्लीज डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। कृपया खड़े हो जाएं। प्लीज स्टैंड अप, खड़े हो जाएं। ये रहा रिक्वेस्ट। ये चारों प्रपोजल, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, ये सबसे रिलेटेड आपको वर्क देंगे करने के लिए, आपको बनाना होगा। इसे और एग्जांपल लेते हैं, तीसरा देखिएगा। द सेंटेंस विच डिनोट्स एडवाइस, यानी वह वाक्य जो सलाह को दर्शाता हो। अपने माता पिता के आज्ञा का पालन कीजिए, ये कोई सलाह देता है। या ये कह सकते हैं गरीबों की मदद कीजिए, सुबह में टहलिए, सूर्य उदय से पहले जगिए। ये सब क्या है? सलाह है, एडवाइस है, ये सब एडवाइस है। और इसे भी इंपरेटिव सेंटेंस में बनाया जाता है, क्योंकि दर्शाता है इंपरेटिव सेंटेंस। द सेंटेंस विच डिनोट्स एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, प्रपोजल एक्सेट्रा, इसको इंपरेटिव सेंटेंस। एग्जांपल लेते हैं, एक सेंटेंस का जिक्र करते हैं। स्ट्रक्चर में कोई खास अंतर नहीं होता है, वही है वी वन ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। देख लीजिए, देखिए गरीबों की मदद कीजिए, ये सब गरीबों की मदद कीजिए। जैसे हेल्प द पुअर, कोई आपको यह ऑर्डर जल्दी नहीं देता है कि आप इसको मदद करो, ये एक सलाह दिया जाता है। यह आप पर डिपेंड करता है आप करें या ना करें। डॉक्टर से मिलिए, कंसल्ट विथ अ डॉक्टर, ये कंसल्ट अ डॉक्टर। एग्जांपल दे, चार एग्जांपल दे, उसके बाद हम बढ़ते। देखिए अपने माता पिता के आगे का पालन करो, सुबह में टहलिए, सुबह में जगिए, शिक्षक को आदर कीजिए। ये सब क्या है? एक सलाह है। ये सब क्या है? सलाह है, एडवाइस है, सजेशन है। जिसे अपने माता पिता के आज्ञा का पालन कीजिए, क्या बनेगा? आज्ञा का पालन करना का अंग्रेजी तो ओवे, ओवे माता पिता के पेरेंट्स होता है। ओवे योर पेरेंट्स, ओबे योर पेरेंट्स। सुबह में जगिए, जगना क्या होता है? गेट अप, गेट अप इन द मॉर्निंग। सुबह में जगिए, सॉरी सुबह में टहलिए, वॉक इन द मॉर्निंग। सुबह में जगिए, गेट अप इन द मॉर्निंग, गेट अप इन द मॉर्निंग। शिक्षक को आदर कीजिए,
रेस्पेक्ट आदर कीजिए द टीचर, रेस्पेक्ट द टीचर शिक्षक को आदर कीजिए, ये पूरा एडवाइस को लेकर चलता है, दर्शाता है। मुख्य रूप से रिक्वेस्ट, ऑर्डर और एडवाइस ये होता है। थोड़ा सा हम प्रपोजल का जिक्र भी कर देते हैं, ध्यान। चौथा ये कहता है द सेंटेंस विच डिनोट्स प्रपोजल या सजेशन, प्रस्ताव या सुझाव, ये को दर्शाने के लिए भी सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है, प्रस्ताव या सुझाव। इसके स्ट्रक्चर पर अगर हम गौर करें तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लेट, यहां जो भी सब्जेक्ट आएगा नाउन या प्रोनाउन, वो माना जाता है कि ऑब्जेक्टिव केस में रहता है, नहीं ऑब्जेक्टिव केस में ही रहता है, माना क्या जाता है, यहां लिख देंगे नाउन या प्रोनाउन जो भी रहेगा ऑब्जेक्टिव केस में माना जाता है। उसके बाद भी वन आगे जो होता है लिख देते हैं, इसमें भी निगेटिव होता है, निगेटिव तो हो जाता है। पहला डोंट लेट, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में, यह हमेशा ध्यान रखना होगा ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद भी वन। फिर एक और होता है, चाहे तो हम लिख सकते हैं लेट प्लस नाउन या प्रोनाउन, यहां नॉट लिख सकते हैं भी वन। कहीं आप ये देखिएगा, लोग कहते हैं कि नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के साथ ही हमेशा आता है, ऐसी बात नहीं। हम एक बार बोले थे कि आप लोगों को नो और नॉट के बारे में बताएंगे, चलिए समय ना गवाएंगे उस पर विचार करेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है फिर भी नॉट आया है, इसका मतलब ही नहीं कि सेंटेंस गलत है, बिल्कुल सही, बस जानकारी के अभाव में लोग बोल देते हैं कि नहीं जब भी आएगा तो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आता है, ऐसी कोई बात नहीं है, समझना पड़ता है। यहाँ समझिए ये जो हुआ ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि लेट वाला सेंटेंस निगेटिव नहीं था, ऐसी बात नहीं, हम चाहे तो बना सकते हैं, ये आपके सामने हम बनाएंगे दिखाएंगे। एग्जाम्पल मैं लेता हूं, ये सजेशन या प्रस्ताव, प्रपोजल या सजेशन के लिए किया जाता है, उसे जाने दो, हम प्रस्ताव रख रहे हैं उसके बारे में, उसे जाने दो, उसे जाने दो, ये हम प्रस्ताव रख रहे हैं। यदि आप मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। उसे जाने दो, ये जो एक सजेशन है बल्कि एक प्रस्ताव रखा गया है, जो मान लीजिए किसी को कोई कैद किया हुआ है, पकड़ा हुआ है, हम गए वहां बोले कि उसे जाने दो, उसको प्रपोज मैंने प्रस्ताव को रखे वहां पर उसे उसको जाने के लिए, तो हम अगर बनाएंगे तो लेट हिम, यहां बार बार बोल रहे हैं कि जो प्रोनाउन है नाउन ऑब्जेक्टिव किस में होगा, अगर लड़की रहेगी तो हर, जाना क्या होता है गो, हो गया, उसे जाने दो, उसे जाने दो, या कोई दिक्कत है, उसे जाने दो। निगेटिव अगर ये था उसे मत जाने दो, उसे मत जाने दो, निगेटिव आ गया। तो आप दो प्रकार से बना सकते हैं, देखिए क्या क्या, पहला डोंट लेट हिम
गो। यानी आपको ना समझ में तो समझिए ना, उसे मत जाने दो, उसे मत जाने दो, वो मैं सिक्योर मत हटाओ ना, उसे जाने दो। जब उसे जाने दो अंग्रेजी बना सकते हैं, क्या बनिएगा? लेट हिम गो, उसे जाने दो। लेकिन कह रहा है कि मत जाने दो, मत तेरे डोंट हो गया, डोंट लेट हिम गो, उसे मत जाने दो। यदि आप चाहे कि नहीं सर हम डोंट से नहीं बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेट हिम नॉट गो, लेट हिम नॉट गो, उसे मत जाने दो। देख लीजिए इसमें एक दो एग्जांपल लेते हैं, अफर्मेटिव नेगेटिव। देखिए सेंटेंस, अब हम लोग चले, या कोई कर सकता है कि अब चला जाए, अब चला जाए। जैसे कभी ये सुनते हैं कि हम नहीं रहता है लेकिन हम लोग का बोध होता है, इसमें एक एग्जांपल है, सुन टहलने चले, क्रिकेट खेलने चला जाए, उसे पकड़ने चला जाए, वहां घूमने चला जाए, ये क्या है? एक वहां पर प्रपोजल रखा जाता है, अब हम गरीबों की मदद करने चले, ये सुझाव रखा जाता है। तो वहां जब जिक्र ना किया जाए तो वहां अस होता है, जैसे हुआ कि अब हम चले या अब चला जाए, यानी यहां जगह लेट अस गो। राम को घर जाने दो, राम को घर जाने दो, क्या बनिएगा? लेट राम गो होम। रेखा को पढ़ने दो, लेट रेखा रीड। टहलने चले, देखिए सब्जेक्ट इसमें नहीं पता है, टहलने चले इसके बारे में जिक्र हो रहा है, इसका मतलब ये कि हम टहलने चले, हम लोग टहलने चले, खाना खाने चले। तो ये जो सेंटेंस होता है टहलने चले, तो आप बनाइए सीधा लेट अस वॉक, यानी हम टहले, हम टहलने चले, क्या कोई दिक्कत है? इस तरह से ये जो चार रूल पर जो सेंटेंस अब आएगा आप लोगों को वर्क करने के लिए, होमवर्क बनाने के लिए, तो पीडीएफ मैं जस्ट आज ही अपलोड कर देता हूं, आप लोग इसको देखिएगा, फिर होमवर्क बना करके भेज दीजिएगा मेरे पास कॉपी पर लिख करके। ओके, तो आज इतना ही, फिर मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ।